जून 17 पेपर 1-2 है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। जून 17 1-2 हमने एक ऑर्डर में पेपर शुरू किए हुए और हम उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास पास्ट पेपर की बुक्स होनी चाहिए, जो हमारी अनसॉल्व पास्ट पेपर की बुक्स होती हैं, जिसके ऊपर लिख सके। ये पहला क्वेश्चन है जिसकी वर्किंग हम शेयर कर रहा हूं मैं। आप पहले क्वेश्चन से शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्या है कि मेक अ पैटर्न विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, या रोटेशनल सिमेट्री, अभी हमने क्लास में की नहीं है, लेकिन बहरहाल लाइन ऑफ सिमेट्री हो या इस तरह का कोई भी टॉपिक हो, सिमेट्री का मतलब होता है कि वो लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन होती है जो किसी फिगर को बिल्कुल बीच में से ना डिवाइड कर दे, हाफ ऑफ कर दे। तो मैं इसको इंशाल्लाह अपनी रेगुलर क्लास में पहले समझा दूं एक मरतबा कि ये सिमेट्री कैसे करते हैं, तो फिर हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं इसको रफली करूंगा। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी फिगर के बिल्कुल बीच में से गुजरती है, और बीच में से गुजरने का मतलब ये है, बीच में से गुजरने का मतलब ये होता है कि वो फिगर को आधा आधा कर देती है। फिगर उसके ऊपर आप फोल्ड कर सकते हैं, जैसे हम पेपर की चीजें बनाते हैं ना, पेपर की कोई ट्राइंगल, कोई बोट वगैरह। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके बिल्कुल बीच में से आप लाइन गुजार देना और फिगर उसके ऊपर फोल्ड हो जाए। अब ये आपसे क्या कह रहा है, आप गौर से पढ़ो। ये कह रहा है कि इसमें एक और ट्राइंगल ऐसी शेड करो कि फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए, फिगर की एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। तो अब आप एग्जामिनर को किस तरह कन्विंस करोगे? आप देखो, ये ट्राइंगल मैंने शेड की है, रेड वाली, ये वाली। इसके बाद क्या होगा, मैंने इसके बाद एक लाइन बनाकर दिखाई है एग्जामिनर को, ये इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है?
लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि वो लाइन जिस पर कोई फिगर अपने आप को फोल्ड कर ले। अब आप यहां देखिएगा, ये जो आपको नजर आ रही है ये ट्राइंगल मैंने खुद शेड की, जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये रेड वाली ट्राइंगल इस पर फोल्ड हो जाएगी, इस ट्राइंगल का हाफ इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा, इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सब लोग इसको बनाइएगा ऐसे ही अपने पास, कोशिश करें कि सबके पास अपनी बुक्स हो। सब लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिएगा। अब मैंने क्या किया देखिए, मैंने आपको ग्रुप पे ना लाइन ऑफ सिमेट्री का एक डायग्राम पेज भेजा है, सब लोग इसको गौर से देखिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो किसी फिगर को बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दे, आधा आधा कर दे। जो रोटेशनल सिमेट्री वाला पार्ट है वो भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये टॉपिक अभी करवाना है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, सबको वन सिग्निफिकेंट पे राउंड कर दो तो 58.7 का बन जाएगा 60, 4.08 का बन जाएगा 4, 19.7 का बन जाएगा 20, सबको एक सिग्निफिकेंट पे राउंड करो और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो। सब लोग ये वाला पार्ट देखो।
सब लोग ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब ये जिन लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया ये कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप लिखते हैं 60 तो इसमें वैसे तो दो डिजिट है 6 और 0, लेकिन जो पहला डिजिट है 6 वो नॉन जीरो है, वो काउंट होगा। जो जीरो होता है आफ्टर अ नॉन जीरो वो काउंट नहीं होता। 60 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है 6, 60 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 6। हम लोग एक क्विक रिवीजन रख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। आप लोग क्लास में ज्वाइन रहिएगा, मैं जरा स्क्रीन रोक रहा हूं। सब लोग अपना नोट्स वाला रजिस्टर ले आइएगा। देखो नोट्स वाला रजिस्टर ले आओ और इसमें ये देखो कि जो हमारा नोट्स वाला रजिस्टर है उसके आखिर में हम नोट्स के रजिस्टर में आखिर में एक नोट्स का सेक्शन बनाते हैं, वहां हेडिंग डाल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में किया हुआ है या कुछ लोगों ने 8th में किया होगा, मे बी कुछ ने 7th में भी किया होगा, पुराना टॉपिक है। चलो अब इसका रूल नंबर 1 देखो।
एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। 24 में दो सिग्निफिकेंट है, 3.56 में तीन है, 7 में एक है। ये पहला रूल है, हर नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये कॉपी होगा। अब दूसरा रूल देखें, रूल नंबर टू। देखो रूल नंबर टू क्या, जीरो बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। पहले सेवन है, आखिर में थ्री है। अगर पहले नॉन जीरो है, आखिर में नॉन जीरो है, तो बीच में जो दो जीरोज हैं वो काउंट होंगे। अब इसको देखिएगा,
ये दो एग्जांपल्स देखें। सेवन जीरो जीरो थ्री इज इक्वल टू फोर का मतलब क्या है कि 7003 में चार सिग फिग हैं, 7003 में चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 40.9 में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब है अगर पहला नंबर नॉन जीरो हो, आखिरी नंबर नॉन जीरो हो, तो बीच के जीरोस को काउंट करते हैं। ये बेसिकली टॉपिक है क्या, ये टॉपिक ये है कि आप किसी फिगर में जाकर ये कैसे देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यानी हाउ वी जज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, दो रूल हो गए। अब आ जाए रूल नंबर थ्री पे, अब आ जाए रूल नंबर थ्री पे। जीरोस अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बड़ा ट्रिकी रूल है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे लिखा है 0.00024, इसमें सिर्फ दो सिग फिग हैं क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो है और डेसिमल के बाद भी जीरो है, तो जीरोस काउंट नहीं होंगे। डेसिमल से पहले जो जीरो होता है, अगर खाली जीरो हो तो वो काउंट नहीं होता, और अगर पहले जीरो हो और बाद में भी जीरो हो तो वो दोनों फिर काउंट नहीं होते। तो ये वाली, अब ये वाली एग्जांपल, ये वाली चीज नोट्स में कॉपी होगी।
ठीक है, दो रूल हो गए, सॉरी तीन रूल्स हो गए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो माइक पे पूछ ले या लिख कर पूछ ले। ये बेसिकली नोट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जो पेपर वन होता है ये बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो क्लास 7-8 के हैं, तो ज़्यादा मेमोरी रिफ्रेश नहीं हो पाती, मेमोरी में चीजें रह जाती हैं। तो जहां भी आपको लगे कि आपको कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कुछ नोट्स ग्रुप पे भी डालता हूँ, उनको आप अलग से किसी फोल्डर में डाल सकते हो सेफ रखने के लिए। रूल नंबर 4, जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ये देखो क्या है, 43.00 इज इक्वल टू 4। डेसिमल से पहले जीरो नहीं है, डेसिमल से पहले जीरो नहीं है, तो फिर जीरो काउंट होंगे जो डेसिमल के बाद है। 1.010, अब इसमें सारे काउंट हो रहे हैं। 1.50, इसमें सारे काउंट हो रहे हैं। डेसिमल से पहले अगर नॉन जीरो हो तो डेसिमल के बाद के नंबर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये भी नोट सेक्शन में आएगा। हाँ ठीक है ऋषा, मैं इसको आप रूल नंबर 4 शो कर देता हूँ। 7, ये जो रूल नंबर 1 है इसके बाद मैं शो कर देता हूँ। मैंने ग्रुप के ऊपर साथ साथ कुछ मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ और आप लोग उनको जरूर देखिएगा। छोटी छोटी जो नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। रूल नंबर 1 ये था, देखो ये रूल नंबर 1 है ये वाला। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखो कि जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर व्हेन नो डेसिमल इज प्रेजेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये रूल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है पेपर में। जैसे 300 है, अब 0 0 चलते गए और उसी पे खत्म हो गया, मतलब बाद में कोई और नॉन जीरो नहीं आया, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह 27,300,
इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, और ये जो चीज है देखो ये वाली, अब अगर आखिर में जीरोज आ जाए, जीरोज पर ही खत्म हो जाए, तो उसमें हम जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेते। तो ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी नोट्स में। अब आज का अगला कॉन्सेप्ट देखें, ये बेसिकली रूल नंबर सिक्स होगा। रूल नंबर सिक्स लिखिएगा, ये बेसिकली होगा रूल नंबर सिक्स, और उसमें लिखिएगा ये होगा रूल नंबर सिक्स, और उसमें लिखिएगा कि इट इज पॉसिबल टू यूज इट इज पॉसिबल टू यूज साइंटिफिक नोटेशन इट इज पॉसिबल टू यूज साइंटिफिक नोटेशन फॉर एडजस्टिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इट इज पॉसिबल टू यूज साइंटिफिक नोटेशन टू एडजस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो अब तुम इसको गौर से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे इन्वॉल्व होती हैं। अब लिखा हुआ है 5000, इसमें तो एक ही सिग फिग है, लेकिन अगर आपको लिखनी हो दो तो कैसे आ सकती है 5000 में, वैसे तो एक सिग फिग है ना, तो आप 5000 को लिख सकते हो 5.0 इंटू 10 to the power 3, 5.00 इंटू 10 to the power 3, इसमें तीन हो गई। साइंटिफिक नोटेशन का फायदा क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का फायदा क्या होता है कि आप उसमें जाकर आराम से खुद से जितने सिग फिग चाहे ला सकते हैं। अब 0.001 में एक सिग फिग है, आप इसको ऐसे लिख दें तो दो हो जाएंगी, ऐसे लिख दें तो तीन हो जाएंगी। ये एग्जांपल्स नोट सेक्शन में कॉपी होंगी।
सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में पावर कैसे एडजस्ट होती है। मैंने उसका एक रूल ग्रुप पे डाला है और ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको जरूर गौर से देखिएगा। अगर आपको किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर बदलने हो, इसमें बाय बाय डिफॉल्ट एक सिग फिग है, तो आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें और फिर जितने सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनर कह रहा है उसमें आंसर को शिफ्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं राइट द आंसर इन टू सिग फिग, राइट द आंसर इन थ्री सिग फिग। तो इस मेथड से आप जितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहें उसमें ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चले सब लोग अपने माइक्स पे आ जाए, आप सब लोग अपने माइक्स खोल लीजिएगा और मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाए जो भी आंसर देना चाहे। सब ये आपकी एक वर्कशीट है क्विक रिवीजन टाइप। आप बताएं सेवन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? गुड, वन। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला हो गया। अब 40 लिखे ना, लिखने को मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो बहुत टाइम लगता है। जो आंसर देना चाह रहे हैं वो माइक पर दे दे। 40 में दो है या एक है? वन क्यों है? शाबाश, गुड आंसर। वन क्यों है? क्योंकि जीरो है सेकंड नंबर, तो नॉन और जीरो के बाद नॉन जीरो नहीं है। जीरो के बाद नॉन जीरो नहीं है। प्लीज चैट के ऊपर आंसर अभी इस वाले पार्ट के लिए ना दे। ठीक है, एक बच्चे ने जैसे बताया कि इसकी लॉजिक भी बहुत अच्छी बता दी। 0.5 वन, 0.5 में वन सिग फिग है। बाकी लोग ठीक है, वन इज द राइट आंसर। अगला 0.00003 One. बाकी लोग भी जवाब दें। उसमें सारे जीरोस हैं, जीरो से पहले नॉन जीरो नहीं है, तो एक सिग फिग है। 7 × 10^5 One. राइट। 7000 वन वन पॉइंट टू 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 राइट। टू 20100 4 4.00 1 इसमें टेक्निकल बात याद रखें, डेसिमल से पहले नॉन जीरो आ गया। अगर डेसिमल से पहले नॉन जीरो आ जाए 4, जैसे यहां पर है, तो डेसिमल के बाद का जो जीरो होता है वो काउंट होता है। फिर 4.00 में नोट कर लें, थ्री सिग फिग है। अब 0.0 डेसिमल से पहले भी जीरो है, डेसिमल के बाद भी जीरो है। 7 9 2 3
थ्री, गुड जजमेंट. 7083 000 000. फोर फोर गुड, फोर इज द गुड आंसर. चलो अब 3401. फोर 2100. टू. वेरी गुड. 3200.0. फोर फाइव. फाइव, वेरी गुड. डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट हो गया. 5.00. थ्री, वेरी गुड. 3. 0.00412. थ्री. 8000. सिक्स. 0505000. कितने होंगे? सिक्स. गुड, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और हमने जो प्रैक्टिस थी वो हमने इस टॉपिक पे कर ली. ये टॉपिक बहुत आता है, इसका फायदा फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री उसमें, मैथ्स में भी है. और चूंकि हम इस क्लास, मैं इस क्लास को इंशाल्लाह उस पर भी अपलोड करूंगा, जो हमारा यूट्यूब मेरा चैनल है, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो. सिग्निफिकेंट फिगर की रिविजन को, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फिजिक्स और मैथ, एडमैथ सब में आते हैं और ये जनरल कॉन्सेप्ट हेल्प करता है. हमने अब हम नोट सेक्शन को बंद कर देते हैं और हमने जहाँ पेपर को छोड़ा था हम वहीं आ जाते हैं. पेपर को जहाँ छोड़ा था और वहां से हम इस पे आ जाते हैं. ये छोटा सा पाई चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 4. सब लोग नोट सेक्शन बंद कर दो और इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ. ठीक है, अब जो एक पूरा सर्कल बनता है, जो एक सर्कल बनता है उसमें एंगल है 80 डिग्री. वर्क आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेड यस. अब अगर ये 80 है, सर्कल में टोटल एंगल होता है 360, तो अगर नो वाले बच्चे 80 हैं तो बताओ कि यस वाले बच्चे कितने होंगे? 280. 360 माइनस 80 कर दूं ना और फिर रेशियो लगा लूं. उसने बोला था कि 200 बच्चों ने बोला है नो, तो 80 डिग्री पर 200 बच्चे हैं, तो 240 डिग्री पर कितने होंगे? ये जो पाई चार्ट, जो पाई चार्ट के क्वेश्चंस होते हैं ये सिंपल रेशियो बेस्ड होते हैं. तो आप चूंकि पेपर वन है तो आप पूरी वर्किंग शो करोगे. आप एग्जामिनर को पहले तो एंगल की वर्किंग दिखा दो कि भाई एंगल माइनस करके आएगा, फिर रेशियो लगाओ और कंप्लीट वर्किंग करके एक्स निकाल दो.
इसको कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर फाइव, सब लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाओ, उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, अब देखो पढ़ो कि द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू विलेजेस ए एंड बी, मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। हमने क्या सीखा है कि जो लेटर फ्रॉम के बाद होता है, जब बेयरिंग का कोई क्वेश्चन आए ना, तो याद रखो कि जो लेटर फ्रॉम के बाद होता है, जो लेटर फ्रॉम के बाद होता है उस पे जाके नॉर्थ बना दो। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, ए, तो ए तो आपके पास ऑलरेडी, ए पे तो नॉर्थ बना हुआ है, तो आप ए पे जाओ और आप ये वाला एंगल जो है ये निकाल दो। इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है मेजर।
अब देखो, अगर इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है मेजर, अगर तुम इस लफ्ज को गौर से देखो मेजर को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें प्रोट्रैक्टर रखना है। अब जिनके पास एक्चुअल पेपर है फुल साइज का, वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से प्रोट्रैक्टर निकालें और प्रोट्रैक्टर निकाल कर इस पे रख दें और फिर मुझे शेयर कर दें। आपका जो भी आंसर आता है वो मेरे साथ भी शेयर कर लें। यहां पर प्रोटेक्टर रखनी है। हाँ, अप्रैल हो गई। जबरदस्त। उसकी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो रिपोर्ट निकलेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसकी रिपोर्ट, अब अगर उसकी रिपोर्ट पीडीएफ है, एक्सेल है? हाँ, तो वो मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर मुझे, ठीक है, एक्सेस का तो खैर मुझे इतना एक्सपीरियंस, लेकिन पीडीएफ हो तो मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बस ठीक है। मैं ये जरा, हाँ मैं उसको फॉलो करा रहा हूँ। उसमें एक सिग्नेचर का मसला है, मैं उसको फॉलो करवा रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह आई होप कि आज ही इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। ठीक है, सेट है। ठीक है, थैंक यू। इसमें किसने मेजर किया है? 138 मनाल के पास आ रहा है। 138 इसमें यूज प्रोटेक्टर मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद ये आंसर आ रहा है 138। अब जाहिर है कि डिफरेंट लोगों के पास थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन बहरहाल एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 138। उसके बाद आगे पढ़ो। द बेरिंग ऑफ विलेज सी, सी ऊपर है नहीं, फ्रॉम ए इज 265। देखो, दोबारा इस बात को नोट करो कि फ्रॉम के बाद ए है, इसका मतलब ए से मेजर करना है 265। वर्कआउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, वर्कआउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो अगर तुम ए पर आके खड़े हो जाओ, ये ए है, ठीक है। अब तुम ए पर खड़े हो और रूलर से तुम एक लाइन बना दो जो बिल्कुल सीधी हो, ऐसे यू, ठीक है। और फिर तुम एक लाइन ऐसे बना दो, तो तुम्हारा एक्सेस पूरा हो गया। अब तुम्हें यह पता है कि एंगल कितना रखना है, 265। अब 265 जाहिर है कि 265 अगर मैं यहां से चलूं ऐसे, तो यहां तक तो 180 होता है, यहां तक होता है 270। तो 265 यहीं पर कहीं होगा। तो मैं ये करूंगा कि मैं एग्जामिनर को बोलूंगा कि वो, ये तो पेपर टू है ना, सॉरी पेपर वन है, तो आपको ड्रॉ उस तरह तो नहीं करना, अपने समझने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यू, ये यहां कहीं आएगा बेरिंग, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, यहां से तुम चलाओगे यू, ये 265 है। हाँ, 85 वाली लॉजिक हो सकती है। ये वाला 265 है। अब तुम इसको पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, एग्जामिनर को कैसे बताओगे? देखो, तुम एग्जामिनर को बताओगे कि वो क्या करे, बेरिंग ऑफ विलेज सी फ्रॉम ए, तो तुम ऐसे रफली रखो 265। अब अगर तुम ये वाला एंगल देखो, छोटा सा एंगल है, और उसको मेजर कर लो, देखो। अब तुम इसमें क्या करो कि तुम एग्जामिनर को ये बताओ कि जो अगला पॉइंट है वो सी है, तो सी हमारे हिसाब से यहां कहीं होगा, ये सी की पोजीशन पे मैं जाकर मैंने नॉर्थ बना दिया, ठीक है।
अब मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब अगर ये टोटल एंगल 285 है, 265 है, तो आप ये वाला एंगल निकाल लो और वही एंगल यहां पर भी होगा। तो अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला एंगल है, मुझे ये चाहिए। क्या करोगे? 265 माइनस 180। अब तुम ये कैलकुलेशन करो, अब क्या करोगे? 265 तो टोटल एंगल है, 265 माइनस 180। तो ये आ जाएगा 85। इसका मतलब है ये वाला एंगल 85 होगा, तो फिर ये वाला एंगल भी 85 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है, इधर जो आंसर उसने मांगा हुआ है, वो आंसर आएगा 85। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 85। सब लोग आराम से ये वर्किंग कंप्लीट करो। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया। अ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। जब ये लिखा होता है ना, नियरेस्ट डिग्री, नियरेस्ट इसका मतलब हमने राउंड किया हुआ है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड एट -8। अपर बाउंड, अपर बाउंड लोअर बाउंड के सवाल कैसे होते हैं? जो नंबर नियरेस्ट के बाद लिखा हो, जैसे यहां पर लिखा है 1 डिजिट, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। नियरेस्ट के बाद जो नंबर लिखा हो उसको आधा कर दें, आधा करके एक्चुअल नंबर में प्लस कर दें तो अपर बाउंड आएगा, माइनस कर दें तो लोअर बाउंड आएगा। किसी को भूल गया हो तो वो अपने नोट्स में लिख भी सकता है, नोट्स में लिख सकता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हाफ द नंबर, इसको आप चाहे तो अपने पास नोट सेक्शन में एंटर कर ले। हो सकता है कुछ लोगों ने लिखा हो सकता है ना लिखा हो, कि अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या तरीका है, हाफ द नंबर रिटन आफ्टर द वर्ड नियरेस्ट, हाफ द नंबर रिटन आफ्टर द वर्ड नियरेस्ट प्लस इट फॉर अपर बाउंड एंड माइनस इट फॉर लोअर बाउंड। ये आपको, अगर ये छोटा सा पैराग्राफ आप अपने पास लिख लें तो आपको फायदा ये होगा कि आप इसको हमेशा, इस छोटे से पार्ट को हमेशा अपने सामने रखें और आप इसको याद कर सकते हैं।
ठीक है, ये छोटा सा आपने पॉइंट अगर नोट कर लिया है तो अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दें। अब इसको शुरू करें, सब लोग ये वाला क्वेश्चन जो है ये शुरू करें। अब देखिए वर्किंग क्या है, वर्किंग समझ लें। 1/2 = 0.5, ठीक है। 1/2 = 0.5, मैंने हाफ कर दिया। 0.5 अगर मैं -8 में ऐड करूं तो ये आ गया लोअर बाउंड। द इनसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड, द इनसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड एज 10। कैलकुलेट द लोअर बाउंड यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड द इनसाइड टेम्परेचर। 10 का लोअर बाउंड होगा 9.5, -8 का -7.5। इनको डिफरेंस कर दें तो जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। ये वाली वर्किंग शेयर करें सब लोग। नाइन पॉइंट फाइव जो मेरे पास आ रहा है वो इसलिए कि यहाँ पर 10 डिग्री है ना, तो उसने 10 डिग्री के साथ ऊपर बोल दिया था ना नियरेस्ट डिग्री। तो ये 0.5 देखो ये वाला, और इस 0.5 को तुम लेकर आ जाओ नीचे। ये जो 0.5 है ना इसको तुम लाकर यहाँ पर इसमें से माइनस करो। देखो ये 0.5 है, तो उसने पहले ही हमसे कैलकुलेशन करा ली थी। तो 10 में से 0.5 माइनस करो तो 9.5 आ जाएगा। सब लोग इसको कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, और फिर हम इसको यहां तक रोकेंगे और इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम हम यहीं तक रोक रहे हैं।